करके दो भाई थे, ये बनी इसराइल का किस्सा है। दो भाई थे, खेत रहते अलग अलग थे, खेती मुश्तरका करते थे, और जब गेहूं हो जाता था तो वो बराबर से तकसीम हो जाता था। साहब दाएँ उसाए करके तैयारी ख़त्म हो गई, एक तरफ गेहूं रख दिया गया, एक तरफ भूसा। तब तक भाई ने कहा जाओ तुम खाना वाना खा के आओ और फिर आते हैं, बंटवारा हो गया है। गए खाना खाने के लिए, तब तक एक भाई सोचता है कि यार हमारी तो जैसे तैसे चल ही रही है, और बेचारा छोटा भाई है, गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पा रहा है, अगर जो है वो अपने गेहूं में से आधा भाई वाले में डाल दे ज़्यादा हो जाएगा, कुछ बेच बाच के बेचारा अपना पैसा बना लेगा, शादी हो जाएगी। तो बगैर भाई को बताए, देखिए हुनर ये नहीं है कि आप मदद कर रहे हैं, हुनर यह है कि पता न चले किसने किया है, वरना मदद करने वाले तो एक से एक है। जहां जाइए आप देखिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पियाऊ बना हुआ है और वो किसी संस्था के जैसे स्टिकर लगा हुआ है, वो कमाल थोड़ी है। कमाल यह है कि आधी रात को पैसे की थैली दोस्त फेंक के चला जाए, दोस्त को पता न चले कि ढाटा बात के आया कौन था। सलवा इस अजर इसका है। आधा गेहूं उठाया भाई वाले में डाल दिया बगैर इत्तला के, हुनर ये है। पत्थर लगा के बना लिया तो कौन सा कमाल किया, बैनर लगा लिया जो है वह तो कौन सा। 200 रुपए की सबील लगाते हैं, मोटा मोटा फोटू छपता है साहब मिन जानिब वसी हसन साहब। सलवा भी क्या है बता कर। अब ये गए जो है वापस आए, अब ये बड़े वाले गए खाना खाने, छोटे का दिमाग भी वैसे ही है। कहने लगे यार हमारे ना आगे नाथ ना पीछे, पगा ना हाल ना औलाद, मेरी तो चली जा रही है, भाईजान बेचारे उनके बाल बच्चे हैं, उतना ही मुझको भी उतना ही जो है भाईजान को भी, ये ठीक नहीं है, मेरा तो चली जाएगा। तो अगर मैं अपने वाले में से आधा गेहूँ भाईजान वाले में डाल दूँ तो भाईजान बेचारे का काम आसानी से चल जाएगा। गौर कर रहा है। तो उसने बगैर भाईजान को बताए अपने में से आधा गेहूँ उठाला डाल दिया, भाईजान भी खावा के आ गए। अब ये वक्त चलो भैया झउआ खांची ले आओ, दौरी ले चले, धीरे धीरे ढोया जाए। आप गेहूं ले जा रहे हैं दो लोग अपने अपने घर, वो साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अरे यहाँ तक के साहब भोर हो गई, अब जो कुछ उजाला हुआ, अरे यार इतना तो कुल पैदा हुआ था, मैं ही उठा लाया क्या सब। ये अपने घर से निकले, वहाँ भी यही केस हो गया, वो अपने घर से निकले, भाईजान अरे क्या हुआ, मैं सारा क्या हूं। कहने भाई तो मैं कहने आया हूं, कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रही, कैसे क्या हो गया, पूरा का पूरा मेरे यहां दिख रहा है पूरा पूरा। ये दोनों भाई आपस में ताज्जुब कर ही रहे थे कि जमीन और आसमान के बीच से आवाज आई, जब बंदे होके भाई होके एक दूसरे का ख्याल इतना है तो मैं तो तुम दोनों का खुदा हूं। सलावत मोहम्मद समझे आप। सिला रहम वो चीज़ है, सिला रहम रोज़ी में भी इजाफा करती है, सिला रहम उम्र में भी इजाफा करती है।